मैं पैदा हुआ था तब बट नहीं देखो माय कॉलेज लाइफ तो अलग था कॉलेज लाइफ मतलब तो पहले थिएटर से ही स्टार्ट किया था मैंने तो एक्टिंग मतलब मैं बोल सकता हूँ कि मम एंड डैड ने जो स्टार्ट मेरे में करा था तो बचपन से किया था तो मैं ड्रामा परफॉर्म करते करते ही आया और बड़ा हुआ हूँ पर तो जब कॉलेज के बाद एक मिनट जब मिला मुझे तो दो राह थी मेरे पास एक तो होस्टिंग करने की और दूसरी सेट डिज़ाइन करने के लिए तो साथ में साथ में चलते गए तीन

आज भी वही कर रहा हूं तो लेकिन जज बन के कर रहा हूं बस मजा कर रहा हूं दैट्स ऑल शुड यू अलाउ समवन एल्स टू हैव अ क्वेश्चन आई थिंक विद जस्ट यू नो ब्रदर्स एंड इज टेलीपैथिक आई थिंक इट ही फील्स इट ही सेज इट I say it, it's just it happens it's like magic timing. We are Karan Arjun on the show. We we look at different uh, aspects of how we choose a person. I would be looking at uh, the directorial part if I have to direct him. कैसे मैं प्रेजेंट करूँगा और कैसे चुनूँगा वो बच्चों को. He will be seeing the more of acting oriented. You know मैं पूरा पैकेज ढूँढता हूँ. Like उसमें स्टेज प्रेजेंस है क्या, परफॉर्म कर सकता है क्या. And Sunali uh, Bendre जी sees the realism. तो हम तीनों के अलग अलग यू you नो know, पहलू हैं हम कैसे चूज करते हैं लेकिन फाइनली वी कम ऑन टू द सेम पेज यू you नो know, देखते हैं एक दूसरे को इसमें स्पार्क है है कि नहीं ये कहीं पहुंच पाएगा नहीं तो एक नॉर्ड में समझ जाते हैं कि इसमें है ये पिकअप करना ही है। कभी आपस में वो भी हो जाता है हाँ, नहीं, नहीं, मैं, नहीं, मैं जाता जाता तो है वो भी हो और फिर एक दूसरे को चैलेंज भी देते हैं भाई मैं प्रूव कर पाऊंगा देख ये लंबी रेस का घोड़ा है ये कुछ ना कुछ तो कर पाएगा मैं चैलेंज देता हूँ और वहीं बोलता हूँ कि मैं इसको पिक्चर में लेता हूँ अब तू करके दिखा कुछ तो वो झगड़ा होता है लेकिन यस भी अब सीजन लंबा है देखते हैं आगे क्या होता है हेलो विवेक क्या है बीइंग अ डोटिंग फादर टू योर किड्स इन रियल लाइफ टू व्हाट एक्सटेंड डज इट हेल्प यू टू कनेक्ट विद द किड्स व्हेन दे आर यू नो परफॉर्मिंग एंड वंस दे आर डन विद देयर एक्ट आई आई हैव ऑलवेज हैड अ आई हैव ऑलवेज हैड दिस डीप कनेक्ट विद किड्स हैव ऑलवेज लव्ड किड्स हैव बीन द फेवरेट भैया द फेवरेट चाचा मामा All of that in my house, here. yeah. I've been the fun guy, so uh, and it's easy for me to connect. Being a father actually takes it to a deeper level. Like for example, अभी uh, season में एक बच्चा perform कर रहा था, और मुझे एक sense लगा कि इस बच्चे पे कोई बहुत ज़्यादा pressure है, क्योंकि वो सिर्फ 10 साल का है, लेकिन उसकी आँखें से लग रही थी कि वो 25 साल का हो गया है. So I actually, when I spoke after his performance to his parents backstage, and I said कि यार आप इसपे pressure तो नहीं डाल रहे. जी आई यू लुकिंग एट डूइंग दिस फ्रॉम अ कि इससे कमाएगा बिकॉज दैट्स नॉट वी ऑन शो हम चाहते हैं कि बच्चों का टैलेंट जो है उसको हम तराशें उभारें और पूरी दुनिया को दिखाएं कि कितने टैलेंटेड बच्चे हमारे देश में हैं सो आवर्ज इज नॉट टू क्रिएट अ फैक्ट्री कि ये मॉडल हमने निकाला है अब इसके ऊपर आप पैसे छापो दैट इज नॉट द एंडेवर एट ऑल एंड दैट इज नॉट द एज अ चैनल ऑल्सो दैट है Uh, fiber that ethic to look at it from that perspective they've always been more of a family than you know uh, more of a commercial understanding so that's the difference that has happened since i become a father now I, there's more concern I used to be move on but now there's a more sense of concern in what's happening in their personal lives and how we can impact even that positively while they're there with us

एंड संडे की बारिश एंजॉय करने के लिए मेरा एक बहुत प्यारा सा सेरामिक uh, मग है उस मग में मैं अपनी चाय डाल के uh, अपने घर के टेरेस के ऊपर एंजॉय करता हूँ एंड आई लाइक टू सी द रेन फॉलिंग यू नो जस्ट रिलैक्स देर अब मेरा बेटा है उसके लिए उसके डैडा उसके हीरो भी हैं तो उसको वो सब करना है जो डैडा करते हैं तो मैं गया कहीं दो मिनट के लिए भाई साहब मेरी कुर्सी में बैठे मेरी मग उठाए और मग को गिरा के तोड़ दिया अब तोड़ा मैं वापस आया और मैंने कहा विवान ये कैसे टूटा किसने तोड़ा तो मुझे ऐसे ऐसे देख के बोलता है डरा वो एक बहुत बड़ा कौवा है ना वो जो आके वो पेड़ पे बैठता है वो आया था चाय पीने आप गए वो चाय पीने की कोशिश कर रहा था मैंने उसको शू किया और उसने चाय का मग गिरा भी दिया तो उसने पूरी स्क्रिप्ट लिख दी और मैं देख रहा हूँ अच्छा वो कौवे का नाम विवान तो नहीं था और वो मुझे कह रहा है कौवे का नाम तो कौवा होता है विवान थोड़ी हो सकता है और हंस रहा है मुझ पर

अब आप बच्चों के साथ जज कर रहे हो राइट तो हाउ डिफिकल्ट वाज दैट फॉर जजिंग यू एंड हाउ मच हेल्प यू टू फ्रॉम विवेक जी एंड सोनाली uh, जी फॉर जजिंग ऑब्वियसली देर मो एक्सपीरियंस देन मी एंड ये पहला सीजन है uh, मुझे जज करना एंड मूवी मेकिंग इज ईजियर देन जजिंग दिस शो मैं ये कह सकता हूँ बिकॉज जो uh, ड्रामेबाज मिले हैं हमें एंड एक से बढ़कर एक है एंड मुझे लगता है कि वहाँ तो डायरेक्शन करना मतलब yes. माहिर एक्टर uh, से काम निकालना है वो इजीली हो जाता है यहाँ एक एक जो कैरेक्टर आ रहे हैं स्टेज पर और परफॉर्म कर रहे हैं इस अनबिलीवेबल लाइक like मैंने पहले भी कहा एक एक टेक में कर देते हैं तो ये डिफिकल्ट लगता है कि मैं उनको जाने दूँ या सिलेक्ट कर लूँ 140 पीपल में से 16 सोलह जन को सिलेक्ट करना है बहुत डिफिकल्ट था तो ये टास्क ऑब्वियसली एक्सपीरियंस थे ये लोग इसलिए मुझे बार बार

Uh, बच्चों के कैरेक्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है जब मेरे फिल्म्स के लिए या शोज़ के लिए बच्चों की कैरेक्टर की रिक्वायरमेंट होती है तो हम भी देखते हैं बच्चों के ऑडिशन टेप्स हमारे पास आते हैं तो हमें एक बेसिक आइडिया है कि बच्चे किस तरह से परफॉर्म करते हैं देश में और जो हमारे ये बच्चे हैं उनमें उन बड़ी अच्छी कॉम्बिनेशन है एक कि वो ऑडिशन भी बढ़िया करते हैं मतलब परफॉर्मर बहुत ज़बरदस्त हैं लेकिन एक इनोसेंस अभी भी है उन बच्चों में वो अभी uh,

यस सर अमन कुमार जी मेरा एक आसान सा सवाल है आसान सा जी जी ये बॉलीवुड का सबसे बड़ा ड्रामेबाज कौन है बॉलीवुड का सबसे बड़ा ड्रामेबाज कौन है ये थोड़ा आप मेरे को दुविधा में डाल रहे हो हाँ हाँ आपको पता है ये कॉम्प्लिकेटेड सवाल है है आपने पूछा है बट सभी ड्रामेबाज है एक से बढ़कर एक ड्रामेबाज है हर फ्राइडे को एक ड्रामेबाज निकलता है और उसकी कीमत जांची जाती है नेक्स्ट ड्रामे नेक्स्ट फ्राइडे दूसरे ड्रामे पे है मुझे लगता है सबसे बड़ा तो यहीं बैठा हुआ है सबसे बड़ा ड्रामेबाज यह है मैं इसका फैन रह चुका हूं फ्रॉम लाइक यू you नो know, युवा डेज एंड मस्ती डेज एंड क्या-क्या काम सर आप चर... मेरे फैन हो मैं आपका एसी हूं अरे अरे देखा यह कहते हैं इसको कहते हैं ड्रामे फैन यार इसकी ना अभी से ऑडिशन चल रही है उमंग के अगले पिक्चर की Uh, uh, I won't be surprised. I'm sorry. Bolie. Deepak sir, आपसे question है. Drama Baz season one two काफी successful रहा. तो third में क्या अलग और क्या नया देखने को मिलेगा दर्शकों को? अलग, अलग, अलग. <laughs> यार normally ना sorry sir. Normally ना ये जो film medium है ना ये film हो, television हो, ये directors का medium है. तो ये हम एक्टरों को जब चाहे बदल देते हैं लेकिन ये ड्रामेबाजी का मंच है तो यहाँ हम एक्टर डायरेक्टर्स को बदलते रहते हैं <laughs> आ, हमने जैसे बताया हम इस शो में अनसंग हीरोज को सैल्यूट करने जा रहे हैं तो ये एक बहुत बड़ा टेकआउट होगा ऑडियंस के लिए क्योंकि इस शो से ये एक्सपेक्टेशन नहीं होगी लेकिन ये एक एज अ सरप्राइज इट विल कम इन द शो जहाँ पर बच्चे समझ के ऑब्जर्व करके Uh, और अपनी जो इमोशंस uh, है वो उसमें डालकर जो एक्ट्स तैयार करेंगे और उन अनसंग हीरोज को सैल्यूट करेंगे इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ मैसेजिंग हम कितना भी कहें कि एक ऑडियो विजुअल दिखाएं और उनको कहें कि इन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया जैसे ये बच्चा ये छोटा छोटे अब्दुल कलाम कहलाते हैं उनको वो अवॉर्ड मिला है अब इनके बारे में हम उनको बताएंगे और वो खुद उनकी जानकारी हासिल करके ऑफकोर्स उनको मदद की जाएगी लेकिन वो जब खुद उनकी जानकारी लेंगे और उसके ऊपर एक एक्ट तैयार करेंगे और जब वो प्रेजेंट करेंगे आई थिंक इट्स इट्स अ डिफरेंट मैसेज अब इसमें एक फ़र्क ऐसा है बहुत बड़े चित्रकार हो चुके हैं एम एफ हुसैन साहब उन्होंने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया था कि एक पाँच साल का बच्चा अगर एक लाइन ड्रॉ कर रहा है और एक बीस साल का बच्चा एक लाइन ड्रॉ कर रहा है उन दो लाइन्स में बहुत पारकी नज़र को वो फर्क समझ में आता है पांच साल के बच्चे की लाइन अगर स्ट्रेट भी हो फिर भी उसमें एक इनोसेंस है वो वो समझ में आता है उसका माइंड अभी तक कंडीशन हुआ नहीं है और उस उम्र में इस तरीके के संस्कार अगर इस शो के माध्यम से इस शो के जरिए जी टी के की ओर से अगर हम पहुंचा पाए आई थिंक ये बहुत बड़ी कामयाबी होगी इस शो की ये छोटी चीज़ है लेकिन वो इम्पैक्ट के लेवल पे बहुत बड़ी है उमंग जी नए हैं हमारे एंकर नए हैं हमारे आ, आ, ये जो हमने पद्मावती देखा आपने वो नया है तो मज़ा मस्ती सब कुछ है लेकिन इस सब का फोकस यही है कि आज की जनरेशन के जो छोटे बच्चे हैं वो सिर्फ उम्र से छोटे हैं लेकिन उनकी समझ काफ़ी बड़ी है और जी टी ने हरदम ये काम किया है जी टी वी इज नोन एज अ स्कूल जी टी ने अपने स्टार्स खुद क्रिएट किए हुए हैं अब से इस उम्र से अगर उनको एक्टिंग के संस्कार इतने एक्सपर्ट से अगर मिलते हैं आगे जाकर उनकी एक्टिंग का पोटेंशियल डेवलप होने में उनको बहुत बड़ी मदद होगी और इन तीन जूरीज के साथ जो एक्सपीरियंस है अपने अपने क्षेत्र में बहुत बड़ा फायदा होता है ये बहुत बड़ा एक्सपोजर मिल रहा है बस हमारा यही कहना है हमारा सिर्फ एक मंच है हमारे मंच पे एक्सपर्ट्स है टैलेंट है वो एक दूसरे से जुड़ जाए अपने दर्शकों को जुड़ जाए बस हमारा इतना ही काम है थैंक यू हेलो मेरा क्वेश्चन विवेक सर से है कि आपने अभी-अभी अपने अभी बेटे के बारे में अभी कुछ चीजें शेयर की थी अगर व्हाट इफ आगे चल के आपका बेटा अगर किसी रियलिटी शो में पार्ट लेने के लिए इंसिस्ट करता है तो आप कितना इस चीज को बढ़ावा देंगे और कैसे देखेंगे यार मुझे लगता है कि रियलिटी uh, शोज uh, में जाना या फिल्म एक्टर बनना या ना बनना uh, जैसे मेरे जीवन में मुझ पे कभी कोई प्रेशर किसी ने नहीं दिया uh, मेरे पापा ने मम्मी ने कभी भी मुझे ये नहीं कहा तुम्हें बड़, बड़े बड़े होकर ये बनना है या फलाना करना है या ढिमकाना करना है उन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया प्यार दिया और मेरे हर सपने को अपनाया तो मेरा सपना हर साल बदलता था अब एक साल मुझे साइंटिस्ट बनना है एक साल मुझे एस्ट्रोनॉट बनना है एक साल मुझे कुछ और बनना था मुझे अभी भी याद है बहुत सारी चीज़ें मैं सोचता था कि मुझे ये करना है वो करना है मेरा जो एक्सपीरियंस था स्टेज पर जाने के बाद पहली बार और मुझे जो मजा आया और मुझे कहा मुझे लगा कि मुझे थिएटर करना है उसके बाद उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया और थिएटर से जब ट्रांजिशन फिल्म के लिए मैं अंदर से तैयार हुआ तब उन्होंने मुझे सपोर्ट किया तो मुझे लगा ये बहुत एक गुड पेरेंटिंग का का तरीका है बच्चों पे अगर आप पहले से ही प्रेशर प्रेशर डाल देते हो क्योंकि ऐसा होता है अक्सर कि मेरा कोई सपना है मेरा बेटा पूरा करेगा या मेरी बेटी पूरी करेगी तो आई uh, थिंक वो चीज़ बहुत प्रेशर दे देती है बच्चों पर तो मैं अपने बच्चे पर बिना प्रेशर डाले जो उसका सपना हो उसे 100 परसेंट पूरी करने की कोशिश करूंगा और उसे सपोर्ट करूंगा देखिए विवेक जी ने खुद अभी एक एग्जाम्पल example...